हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मिटी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वेनम मूवी के अपडेट के बारे में। अभी हाल ही में सोनी कंपनी ने अनाउंस करा कि वो वेनम का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि मॉर्बियस भी इंक्लूडिंग थी। यानी कि 2020 में आपको दो मूवी देखने को मिलेगी सोनी कंपनी की। तो वेनम 2 से रिलेटिव आपको एक और कमाल का अपडेट ये आया है कि सोनी कंपनी ने अनाउंस करा कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इंक्लूडिंग करेंगे। उनका कहना भी सही है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर निकले हैं स्पाइडरमैन से। अब उन मूवियों में स्पाइडरमैन ही नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। तो फाइनली वेनम 2 में आपको स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये क्लियर नहीं हुई है क्या वो टॉम हॉलैंड को लेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं करा है। अगर टॉम हॉलैंड को नहीं लेते हैं तो हमारे एमसीयू में और हमारे पूरे यूनिवर्स में हमें 4 स्पाइडरमैन मिल जाएंगे। यानी कि सबसे पहले टॉबी, फिर उसके बाद हमारा एंड्रू गारफील्ड, फिर उसके बाद हमारा टॉम हॉलैंड। अब देखते हैं कि सोनी कंपनी अगर इनसे डील कर लेता है तो फाइनली हमें टॉम हॉलैंड देखने को मिल सकता है, पर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कैसा लगा अपडेट? अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे क्या, तो उस पे प्रोफेसर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।